हाय एवरीवन, आई एम जरक शाह द फ्रेंड। आज हम कुछ इस टाइप का ग्लास में बनाएंगे। वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सलैब ऐप को ओपन करना है, न्यू टेक्स्ट हटा देना है और यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने ये वाला नेम टाइप कर देना है। आप कोई भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैं यही लिखूंगा। इतना होने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है, ए बी वाले ऑप्शन में माई फॉन्ट में आकर फॉन्ट आप लोगों ने यूज़ कर लेना है। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं जिस जगह पर मैं डॉट घुमा रहा हूँ, तो बाकी मैंने ये ऑलरेडी यूज़ किया तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस फॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। पैडिंग आप लोगों ने करनी है, लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग, और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद आप लोगों ने स्पेसिंग में आ जाना है, तकरीबन 5 पॉइंट तक स्पेस दे लेनी है और इसका साइज़ थोड़ा सा कम करें। ठीक है, इतना होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर शेप में आना है, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है। कार्ड में आना है, सेव एज इमेज पर क्लिक कर देनी है और इसको अल्ट्रा में रखकर सेव टू गैलरी कर देना है। अब आप लोगों ने आना है पी एस टच ऐप में। अब मैं यहाँ पर पी एस टच में आ चुका हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने प्लस पर क्लिक करनी है, फोटो लाइब्रेरी में आना है। ठीक है, वो फोल्डर ढूंढना है जिसमें आप लोगों की पिक पड़ी है। आप लोगों ने सिंपली अपनी पिक ऐड कर लेनी है। यहाँ पर मैं पिक्चर वाला फोल्डर ढूंढ लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी पिक पड़ी है, तो ये वाली पिक मैं ऐड कर लेता हूँ। ये वाली पिक आप लोगों को चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और सिंपली आप लोगों ने सोनी वाला नेम यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल ईजी तरीके है। यहाँ पर आप लोगों ने इसको एडजस्टमेंट कर लेना है, तकरीबन यहाँ तक टेक पे क्लिक कर देना है और फर्स्ट लेयर की 2 डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है। अब आप लोगों ने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, एफ एक्स में आना है, बेसिक में और लाइटिंग में आ जाना है। एरो पकड़कर ऊपर ले जाना, जो कि ऑलरेडी मैंने ऊपर कर दिया, टेक पे क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है और इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन कर देना है। फिर सेकंड लेयर में आ जाना है, एफ एक्स में आना है और ड्रॉप एंड शेडो में आ जाना है। इसका एंगल 135 पे होना चाहिए, ब्लर 5, डिस्टेंस 6, टेक पे क्लिक कर देना है और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आप लोगों ने थर्ड लेयर में आ जाना है, एफ एक्स में आना है और बेवल में आ जाना है। ब्लर 45 होना चाहिए, डिस्टेंस भी 45 होनी चाहिए, एंगल 135, कलर ब्लैक। इस पे 2 दफ़ा और बेवल लगा देना, 1 दफ़ा हो गया और ये 2 दफ़ा हो गया। इतना होने के बाद आप लोगों ने इसका ब्लेंड मोड यहाँ से लाइटन कर देना है। अब आप लोगों ने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और एफ एक्स में आना है और ग्लो में आ जाना है। यहाँ पे ब्लर 0.6 होना चाहिए, कलर वाइट होना चाहिए। इस पर 1 दफ़ा फिर आप लोगों ने ग्लो लगा लेनी है। इतना होने के बाद आप लोगों ने सेकंड लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, मैजिक वैंड टूल सिलेक्ट कर लेना है और इस एस को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप लोगों ने यहाँ पर ये मार्की सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर देना है, मोड माइनस कर लेना है, ये तार सी बनकर आ जाएगी। आप लोगों ने ये वाला मतलब जो पार्ट रखना चाहें आप रख सकते हैं, बाकी वाला पार्ट आप लोगों ने उतार लेना है। ठीक हो गया, तो तकरीबन मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट उतार देता हूँ। अब आप लोगों ने एंड वाले ऑप्शन में आना और ग्रेडिएंट में आ जाना है। ग्रेडिएंट का यहाँ कलर कोई भी रखना चाहें तो आप मेरा भाई बड़ी इजी तरीके के साथ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं येलो कर लेता हूँ, बाकी आप जैसे भी इसको रखना चाहें घुमा फिरा के ये करेंगे तो ये कलर ऐसे ही आ जाएंगे इसमें। ठीक है, बाकी सारे वर्ड में आप लोगों ने इसको कर लेना है। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी मैं सारे वर्ड में कर लेता हूँ। तो बाकी फ्रेंड यहाँ पर मैंने कलर ग्रेडिंग कर ली। ठीक है, आप मतलब डिफरेंट मतलब ग्रेडिएंट बना सकते हैं जैसे मैंने तरीका मैं फिर बताया। ठीक है, इतना होने के बाद आप लोगों ने कुछ पीएनजी यूज़ करने पर मैं जल्दी जल्दी मैं ले लेता हूँ। बाकी ये वाला पीएनजी मैंने ले लिया है। ठीक है, आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करके यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना है। ठीक है, आप जैसे भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तरीका मैथड यही है हर पीएनजी लगाने का। ठीक है, मैं आप लोगों को एक पीएनजी लगा कर दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद लगा लीजिएगा। यहाँ पर टेक पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने पेंसिल मैंने इसकी कॉपी करनी, फिर पेंसिल मैंने इसको सिंपली पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, सारे वर्ड में आप मतलब पीएनजी लगा लीजिएगा। मैंने एक नीचे यूज़ किया पीएनजी, एक ऊपर। इन तीनों पीएनजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों ने वहाँ से इसको डाउनलोड कर देना। बाकी यहाँ पर मैंने 2 लाइट यूज़ की, एक येलो और एक मतलब है वाइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर येलो लाइट आप लोगों को लगा कर दिखा देता हूँ। इसके बैकग्राउंड में ब्लैक आ रहा है, इसका ब्लेंड मोड यहाँ से स्क्रीन करेंगे तो बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा। फिर एंड वाले ऑप्शन मैंने और ट्रांसफार्म से पकड़कर इसको आप आगे पीछे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लाइट वाइट भी लगा सकते हैं। इतना होने के बाद हमारा यहाँ पर ग्लास वन रेडी है। आप लोगों ने इस डन पे क्लिक करके इसको सिंपली फ्रेंड सेव कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे और इसको सेव कर दें। फ्रेंड आज की मेरी बस यही थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।